ये जो है इसमें दो दो पिन, एक कॉपी में दो दो पिन लग रहे। जी जी इसी तरह से पिन होता है, दो पिन होता है पर कॉपी पे, जैसे कि इसमें दो कॉपी है तो चार पिन हो गया। नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कौन सी मशीनें लगी है, कितना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा और प्रोसेस कभी स्टार्ट किया जाए और एक्सपेंड नहीं करना है, ग्रो ही करना है, तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। मतलब आप प्लान ए और बी दोनों लेकर चले हैं कि अगर प्लान ए में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो बी से हेल्प ले लेंगे ना? प्लान ए भी नहीं है, प्लान ए टू जेड है अभी तो। ये इसको टाइट कर देंगे, इससे क्या होगा ये पेपर हिलेगा नहीं, हिलेगा हाँ, ये पेपर हिलेगा नहीं, ये इधर उधर जाएगा नहीं। अब जितना चाहेंगे उतना आप इसको काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि देख सकते हैं अब ये मशीन से जो है कॉपी कटिंग की जाएगी। मशीन स्टार्ट हो गई है, ये मशीन स्टार्ट हो गया है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये एक मेजर है, इसको टांग लेंगे, ये ऑटोमेटिक। दोस्तों, बेरोजगारी और महंगाई के दौर में दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत से हमारे भाई हैं, जो भाई बहन हैं, जो नौकरी कर रहे हैं पर उनकी ज़रूरत उस नौकरी से पूरी नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं उनको भी एक आवश्यकता पड़ जाती है कि साइड से कुछ ना कुछ बिजनेस किया जाए। तो जो लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं वो लोग जो है अगर एक बिजनेस पे डिपेंड है, होता है कि कई बार बिजनेस सिंगल करने पर, कई बार फेल होने पर आदमी परेशान हो जाता है। तो जैसा कि एक हमारे भाई हैं विकास कुमार जी, तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। उन्होंने जो है साथ में एक साथ दो बिजनेस कर रहे हैं ताकि अगर किसी एक बिजनेस में थोड़ा बहुत अगर परेशानी हो, नुकसान हो, तो उस बिजनेस से दूसरे बिजनेस से रिकवर कर दोनों बिजनेस को सुचारू रूप से चला सके ताकि उनको आर्थिक ज़्यादा नुकसान भी ना हो और ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो चलिए जो है इनसे जानते हैं कि और वो दूसरा बिजनेस कौन सा कर रहे हैं और उसमें क्या कुछ है और किस हिसाब से जो है उसका मार्केटिंग है और कौन सी मशीनें लगाए हुए हैं और क्या कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और कितने लोगों को जो है इसमें रोजगार दे रहे हैं। तो चलिए विकास कुमार जी से मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। इन्होंने जो है पहले जो है पेपर प्लेट का जो प्लांट लगाए हुए हैं, साथ में इन्होंने नोटबुक का भी बिजनेस अपना चालू किए हैं। तो थोड़ा सर बताइए कि आपको नोटबुक जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे क्या हो कुछ होता है। जो है मार्केट डिमांड और ये सालों भर चलने वाला बिजनेस है, तो इससे बढ़िया हम मुझे और कुछ नहीं लगता है। जैसे एजुकेशन बिजनेस में बहुत फायदा है और इसलिए मैंने सोचा कि नोटबुक का भी स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया, मतलब आप प्लान ए और बी दोनों लेके चले हैं कि अगर प्लान ए में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो बी से हेल्प ले लेंगे ना? प्लान ए भी नहीं है, प्लान ए टू जेड है, अभी तो ये बी पे ही है। जी जी जी, अभी तो दो ही प्लान है ना? हाँ जी जी। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये बिजनेस आप कितने दिन हो गए इसको चालू किए? और ये मुझे 5 महीने हुए अभी चालू किए हुए। जी जी। और अभी मतलब एक स्टेज पे आ गई है, अच्छी रनिंग। जी जी। रनिंग में हो गई। अच्छा, एक छोटा सा, आखिर आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आपको यही माइंड में आया कि हमको नोटबुक का ही कंपनी खोलना है? बिजनेस तो बहुत सारे हैं मार्केट में, कुछ और भी कर सकते थे। एजुकेशन बिजनेस में घुसना था तो इसलिए मैंने कॉपी का सोचा। जी जी। और बच्चे पढ़ेंगे अच्छा। तो वीडियो में जो है इसमें हम नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कौन सी मशीनें लगी है, कितना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा और एक एक करके जो है एक मशीन के बारे में भी जो है कौन सी मशीनें लगती है, कितनी मशीनें हैं और चालू कर सकते हैं। आपका इस कंपनी में क्या रोल है? हम इस जगह पे कॉपी बनाते हैं। जी जी। कारीगर हैं? जी हाँ। जी जी। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा बताइए कि कॉपी किस ढंग से तैयार होती है, इसका फुल प्रोसेस थोड़ा सा बताइए और कितने मशीनों की आवश्यकता होगी इसमें? आपको ऐसे स्टार्ट करने के लिए 2 मशीन की ज़रूरत है। जी, दो मशीन में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। और बाकी बात आपको प्रोसेस दिखाते हैं कैसे बनता है। जी जी। आइए, आपको पहला स्टेप है कॉपी बनाने का जो कि ये बताएंगे। ये हमारा पेपर है। जी। इस पेपर का नाम है ABC। जी। ठीक है, ये इसमें स्कूल मेड कॉपी बनता है। जी जी। ठीक है, मतलब ABC क्या मतलब? पेपर का नाम है। जी, पेपर इसका का नाम है। हाँ, ABC नाम है पेपर का, क्वालिटी का। और ये 4670 साइज है। जी जी। पेपर का। जी। और ये हम अभी 20 रुपए का कॉपी बना रहे हैं, जो स्कूल मेड कॉपी बनता है 20 रुपए का, जो बाजार में 20 रुपए बिकता है वही कॉपी बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा क्या है मतलब, ये आपका अपना ब्रांड है स्कूल में, ब्रांडिंग वगैरह करवा किए हुए हैं कि मतलब अभी जनरल चल रहा है? ये जनरल कॉपी है, ये सारा सब जगह मिल जाता है। जी जी जी। ये जनरल है मतलब इस ब्रांड का मतलब जो है ये जनरल ब्रांड है, कोई भी जो है इसको यूज कर बना सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा फोल्डिंग हो रहा है। जी। ये अभी पेपर मोड़ रहे हैं इसको। जी। इसमें कितने पेज का जो है अभी हम 9 शीट का बना रहे हैं, 18 पेज का। जी जी। ठीक है जी।
ये 36 मतलब टोटल पन्ना हो जाएगा जी, इसमें जी, 36 पन्ना का बन रहा है ये कॉपी जी जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सब कॉपी मुड़ के रखे हुए हैं, ये यहाँ पे सारा कॉपी मुड़ा के रखा हुआ है जी जी। अब इसमें कवर लगाएंगे जी, सेकंड प्रोसेस में कवर लगेगा जी जी। अच्छा, ये कवर वगैरह ये सारा चीज जो है सीट वगैरह कहाँ से आता है? ये सब बाहर से आता है जी, कुछ जी। पटना से भी आता है, कुछ दिल्ली से भी आता है। मतलब ये साइज बनी हुई बाहर से ही आती जी है? हाँ, ये साइज बना हुआ बाहर से ही आता है। यहाँ पे जो है बस केवल असेंबल किया जाता है। असेंबल किया जाता है जी। ये भी सीट वगैरह भी बनी हुई आती है? हाँ। तो केवल एक ही डिजाइन का? ये तो तरह तरह की डिजाइन का भी आता है? नहीं, यहाँ तरह तरह का डिजाइन का भी आता है। ये स्कूल मेट में जो चलता है कॉपी, अक्सर वही कॉपी अभी हम बना रहे हैं स्कूल मेट का। इसमें एक ही ब्रांड चलता है, यही कवर चलता है स्कूल मेट में। जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसमें यही कॉपी लगता है। तो यहाँ पे तो आप लोग को बड़े बड़े स्कूलों का ऑर्डर वगैरह भी मिलता होगा, जो अपने नाम से जो ब्रांडिंग करवाते हैं? हाँ, अपने नाम से भी ब्रांडिंग करवाते हैं। जो अपने नाम से करवाते हैं तो वो किस तरह होता है यहाँ पे कुछ? जो अपने नाम से करवाते हैं ब्रांडिंग, जैसे कि ये कवर है जी जी। ठीक है, इसमें उसका स्कूल का नाम रहता है जी जी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पे जी अभी स्कूल मेट लिखा हुआ है जी जी। जिस स्कूल का है उस स्कूल का यहाँ पे नाम छपेगा। तो ये कहाँ पे? अपने पास ही होगा कि कहीं बाहर से? ये बाहर से छप के आता है। उसके लिए कुछ मशीनें वगैरह होती है जो लेके अपना खुद का कर सकते हैं? जी हाँ, होता है जी। उस प्रिंटिंग मशीन आता है जी जी। ठीक है, उसको अलग से लेना? हाँ, अलग से लेना पड़ेगा। उसमें बाद यहाँ पे प्रिंट होगा उसका जी जी, तब जाके वो स्कूल का कॉपी बनेगा जी जी। ठीक है, अगर अभी मान चलिए कोई अगर स्कूल का ऑर्डर आता होगा तो आप किस प्रकार जो उसका ऑर्डर आप देते हैं उसके नाम से? उसको जैसे कि अभी स्कूल का ऑर्डर अगर आता है तो हम लोग ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद जितना क्वांटिटी होता है उतना क्वांटिटी को यहाँ पे कवर छपवाते हैं जी जी। लोकल में भी स्क्रीन पे कवर छप जाता है जी जी। ठीक है, स्क्रीन मशीन होता है, स्क्रीन मशीन पे कवर छपवा करके उसके बाद हम लोग बेंडिंग करके कॉपी दे दिया करते हैं जी जी। तो ये अब सेकंड प्रोसेस में इस पेज को इसमें लगाया जाए? ये कवर लगेगा, कवर लग गया। हाँ, ये कवर लग गया है जी जी, ये सारा कवर लग रहा है। तो इसमें जो है मतलब एक बार इसमें दो कॉपी निकलेंगे यहाँ से भी? इससे कटिंग होगा? ये सामने कटिंग होगा जी जी, इसके बाद यहाँ से बीच कटिंग होगा, इधर भी कटिंग होगा, इस साइड भी कटिंग होगा जी जी, फिर बीच कटिंग होगा। इसमें दो कॉपी है जी जी, इसमें दो कॉपी निकले, इसमें दो कॉपी जी हाँ। इसका थोड़ा आगे का प्रोसेस बताइए अब क्या जी। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं ये एक यहाँ जो ये पहली मशीन है इसको क्या बोला जाता है? ये स्टिचिंग मशीन है जी, इस पे पिनअप होता है, सिलाई होता है कॉपी का जी जी। इस पे कॉपी को आप आराम से सिलाई कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं जी। इसमें ये तार लगा हुआ रहता है, ये इसी से सिलाई होता है। जो कॉपी में जो पिन लगा रहता है ये तार का ही? तार का ही पिन होता है। ठीक है, इसमें 24 नंबर तार लगता है जी जी। ठीक है, इसी से आप सिलाई कर सकते हैं जी जी। इसमें कितने एचपी की मोटर लगी हुई है? इसमें 1.5 एचपी की मोटर लगी, 1.5 एचपी की मोटर लगी है। तो थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके दिखाइए कि किस प्रकार जो है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ इसमें जो है 1.5 एचपी की मोटर लगी हुई है और इसको स्टिचिंग मशीन बोला जाता है। और ये जो है अब इसको जो है मशीन को ऑपरेट करके दिखाएंगे, जैसा कि देख रहे हैं किस प्रकार जो है इसमें स्टिचिंग की जा रही है। और ये जो है इसमें दो दो पिन, एक कॉपी में दो दो पिन लग रही है जी जी। इसी तरह से पिन होता है, दो पिन होता है पर कॉपी पे, जैसे कि इसमें दो कॉपी है तो 4 पिन हो गया, इसमें 4 गो सिलाई पड़ गया है। इसी तरह पिन होता है सारा कॉपी का। आप देख सकते हैं कि ये सिलाई हो रहा है, इसी तरह सिलाई किया जाता है इसका। अच्छा भैया, जो है ये हमारे विकास जी हैं, जो इनसे हम कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत से युवा जो है कुछ ना कुछ अपने ढंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं और उन लोगों के पास जो है पर्याप्त पैसे की अभाव होती है, लेकिन वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कईयों के पास तो पैसे होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कईयों के पास कुछ समस्या होती है। तो क्या इसके लिए कुछ सरकार द्वारा कुछ लोन वगैरह या कुछ राहत सरकार द्वारा सहायता की जाती है, ताकि कोई सरकार द्वारा कहीं बात किया जाए तो आप मेरा बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे लिखा हुआ मुख्यमंत्री जाति उद्यमी योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा। आपको क्या लोन मिला है? हाँ, तब तो मैंने ये पोस्टर लगा के रखा जी जी। तो आपको कितना लोन मिला? 10 लाख का लोन मिला था मुझे। 10 लाख का लोन मिला है, तो क्या कुछ इसमें जैसे 30% 35% 50% सब्सिडी? 50% सब्सिडी है आपको मिला जी। तो ये लोन लेने में क्या आपको परेशानी हुई, भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ी या आसानी से मिल गया? ऑनलाइन ये अप्लाई होती है जी जी, हर साल निकलती है, हर साल निकलती है। तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस थोड़ा बताइए क्या है? इसका प्रोसेस कि आपको थोड़ा सा अपडेट रहना होगा मुख्यमंत्री योजना उद्यमी योजना साइट पे जी जी। और वो फॉर्म हर साल निकलती है जी जी।
तो उसमें जा करके बस ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए आप। उसमें आपको जैसे कुछ पेपर्स रखते हैं, करंट अकाउंट वगैरह सब, GST वगैरह बाद में बनाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बना लिए आप, तैयार करके रखिए और अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एक क्या कहते हैं, अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, मतलब कि उसमें से छटाई होता नाम है, आता है, नाम एक तरह से लॉटरी होता है जिसमें अगर आपका नाम आ गया तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने जो है, अगर जिन भाइयों के पास अगर पैसे नहीं अगर करना चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री PMEGP द्वारा भी लोन लेके काम कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप उस चैनल पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आगे का प्रोसेस चलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो है अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये पिनअप हो गया है, अब इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस मशीन का नाम बताइए। इस मशीन का नाम है कटिंग मशीन जी। इसमें पेपर कटिंग होता है कॉपी जी, जो कॉपी बन के तैयार होता है वो इसी में कटिंग होता है जी। मतलब मेन मशीन यही है जी, ये इसका कटर बोला जाता है जी, कटर बोला जाता है। अच्छा, इसका क्या कुछ इसका प्राइस पड़ेगा? ये मशीन कम से कम 220 के आसपास आएगा, 2,20,000 प्लस जीएसटी के, प्लस जीएसटी जी जी। और इसमें इस मशीन में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी आती है या मतलब? नहीं, एक्चुअली इस मशीन में तो प्रॉब्लम का कोई नाम निशान नहीं है, मतलब इसमें ना के बराबर प्रॉब्लम आता है जी जी। बस खाली ध्यान रखना है कि जब काम करते हैं तो इसके अंदर हाथ ना डालें जी जी, क्योंकि इसके अंदर जो रहता है ना ये चाकू रहता है जी, चाकू रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही धारदार है और ये हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक का पावर शायद आप भी जानते होंगे। तो ये मशीन में बस रिस्क यहाँ पे, खतरा यहाँ पे है कि आपका हाथ वगैरह इसमें ना जाए, सावधानी यही बरतनी है। बाकी जो है आगे का प्रोसेस जो है बताएंगे। बाकी जो हमारे वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि जो है हम आगे भी लाइक करें, ताकि जो आगे भी हम वीडियो आपके लिए ला सकें। और ये आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। इसमें जो है कॉपी जो है डाली गई है और इसको जो है थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए। ये इसके अंदर कॉपी डाल दिए हैं, अगर आपको मेजर मिलाना है तो ये वाला है, इसे मेजर, हाँ इसे मेजर हम मिला सकते हैं, कितना हमको काटना है, कितना काटना हाँ, है कितना हमको काटना है, कितना रखना है जी। ये आगे पीछे हम कर लिए अपना जी, मिला लिए। ये दाब है जी, जो जी, पेपर को दाबता है जी, ठीक है, ये दाब हो गया, इसको टाइट कर देंगे जी। इससे क्या होगा, ये पेपर हिलेगा नहीं, हिलेगा हाँ, ये पेपर हिलेगा नहीं, ये इधर उधर जाएगा नहीं। अब जितना चाहेंगे उतना आप इसको काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं जी हाँ। जैसा कि देख सकते हैं अब ये मशीन से जो है कॉपी कटिंग की जाएगी, मशीन स्टार्ट हो गई है, ये मशीन स्टार्ट हो गया है, अब उसको हम कटिंग करेंगे। ये एक मेजर है, इसको टांग लेंगे, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये वेस्टेज हो गया। अच्छा, ये बता जानना चाहूंगा ये वेस्टेज वगैरह क्या होती है? ये वेस्टेज मतलब बिक जाता है, बिक जाता हाँ, ये जैसे कि गोला वाला होता है जो कबाड़ी खरीदता है जी जी। वो इसको खरीद लेता है जी जी। इसको बाद फिर इसको गला करके फिर से इसका पेपर बन जाता है, फिर से इसका पेपर बन जाता है, पेपर बन जाता मतलब रिसाइकलिंग हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है जी जी। उसके बाद का प्रोसेस, ये अभी सामने काट दिए हम इसका जी जी। ठीक है, ये थोड़ा सा लूज हो गया है, ये और कटेगा। जैसा कि देख सकते हैं ये एक बार में कितनी कॉपी इसमें कटिंग हो सकती है? ये एक बार में आपको कम से कम 32 पीस कॉपी काट सकते हैं, 32 पीस कॉपी कटिंग जी, कर हाँ, सकता है एक बार में 32 कॉपी जी जी काट सकते हैं। तो एक घंटे में आप कितना कॉपी निकाल सकते हैं इसे? इसमें कम से कम एक घंटे में हम अगर कटिंग करेंगे जी जी। तो 2000 के समथिंग, 2000 के कॉपी हाँ। ये जो कॉपी तैयार हो रही है कितने वाली तैयार हो रही है? ये 20 रुपए का कॉपी है, एक हाँ एक कॉपी 20 रुपए में जी जी। मार्केट में बिकता है जी जी। ये आप देख सकते हैं ये अभी कटिंग हो चुका है जी जी। ये मिक्स कॉपी है, ये मिक्स कॉपी है, इसमें रूलिंग भी होगा, सादा भी होगा और इंग्लिश भी होगा जी। तीनों पेपर, तीनों पेपर आएगा, देख सकते हैं आप, इसमें तीनों पेपर है जी जी। इसको मिक्स कॉपी बोलते हैं, एक ही कॉपी से कोई बच्चा हाँ। एक ही कॉपी से जो है तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई हाँ, पढ़ाई कर सकता है जी, आराम से जी जी। उसका फाइनल टच दे रहे हैं अब, इसका फाइनल टच होगा जी हाँ। इसको दो पीस किया जाएगा हाँ, दो पीस किया जाएगा। इसका साइज क्या, मतलब क्या कुछ कैसे होता है? ये इसका साइज होता है पेपर का 46-70 और ये जब कॉपी तैयार हो जाता है 18x24 का रहता है जी। तो ये इसका साइज कहाँ से सेट किया जाता है? ये मेजर से ही साइज सेट किया जाता है, इस मेजर से ही साइज इसको मिला दिया जाता है जी।
अच्छा, इस कंपनी में लगभग कितने आदमी की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए? एक्चुअली इसमें इस कंपनी में कम से कम तो 3 से 4 आदमी पर डे चाहिए, और जैसे जैसे मतलब डिमांड बढ़ता है उस हिसाब से वर्कर भी बढ़ता है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये कॉपी बनके तैयार हो गई है। ये 20 वाली कॉपी है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कॉपी 20 वाली है और इसमें जो है तीनों फॉर्मेट की कॉपी तैयार हुई है। और इसके अच्छा ये बताइए, इसका क्या कुछ लागत पड़ेगी ये कॉपी तैयार करने में? ये कॉपी तैयार करने में इसमें कम से कम 10 से 11 रुपये पड़ जाता है। ये 10 से 11 रुपये पड़ जाएगा? हाँ। और मार्केट में क्या रेट? मार्केट में ये 13 रुपये बिकता है। 13 रुपये बिकेगा होलसेल? हाँ, होलसेल प्राइस 13 रुपये बिकता है। जी जी। बाकी बात इसके बाद का प्रोसेस क्या है? आप जो है ये कॉपी बन के तैयार हो गया, इसको पैकिंग कर देंगे इस तरह से, आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से कॉपी बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। पैकिंग कितने पीस होती है? ये 50 पीस का पैकिंग होता है। जी जी। ठीक है, ये 50 पीस का पैकिंग किया हुआ है। जी जी। ये 50 पीस का पैकिंग हो जाता है, 50 पीस का ही पैकिंग मार्केट में जाता है। जी। अच्छा, तो भैया मार्केटिंग आप किस हिसाब से करते हैं? मार्केटिंग जैसे सैंपल लिए और जगह जगह पे गए, स्कूल वगैरह में बात किए हर जगह, और जिसका जैसा ऑर्डर हुआ उसे। जैसा कि प्रोडक्ट बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके अपना जाते हैं तो कंपटीशन का मार्केट है, तो बहुत तरह का परेशानी, बहुत तरह की समस्या आती है। तो आपको किन किन समस्या का ज़्यादातर फेस करना पड़ा और कैसे आपको उसको फेस किए? प्रॉब्लम आए जैसा कि आप बताएं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी। प्रॉब्लम आए, लेकिन ये क्वालिटी और अपना जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो अच्छा रखना जरूरी है हमेशा। जी। तो क्वालिटी हमेशा अच्छा रहा, और जेन्युइन रेट में ही मैंने अपना प्रोडक्ट छोड़ा है। जी जी। तो सबको पसंद रहा है, इसलिए रिपीट ऑर्डर्स आते हैं मुझे। रिपीट ऑर्डर आते हैं। तो अगर जिन भाइयों को अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हैं, अगर इनसे जो है माल कॉपी बल्क में लेना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, और आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप जो है आप इनसे माल परचेज कर सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, करिए अपना बिजनेस, करिए जो भी आपको सही लगे, जो आपको जिसमें आप सक्षम हो वो उस तरह का करिए, और बस थैंक यू। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने दिखाया कॉपी और साथ में ये जो डोना पत्तल का दो बिजनेस एक साथ चल रही है। तो ये बिजनेस करके अगर इससे रिलेटेड अगर आप भी कुछ करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो अपने अनुसार से देख के आप अपना कर सकते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नए बिजनेस प्लान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।